अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पकोड़ा प्लेटर। अच्छा, पकोड़ा प्लेटर बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ़ पकोड़े बनाने हैं। ये कैबेज लिए हमने, एक इसे स्ट्रेट कर लिया है, आलू हमने स्लाइस कर लिए हैं, पालक ली है और प्याज। जो मसाले डलेंगे उसमें है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है और हल्दी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि क्या रेशियो से लेने हैं। तकरीबन 2 कप बेसन के लिए। अच्छा, ये 1/2 टीस्पून में ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून में कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून ही मैं हल्दी ले रही हूँ और 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। जो पकोड़ा मिक्स होता है उसमें यही मसाला होता है। मैं तो खैर बना के नहीं रखती, मैं जब ही बनाती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप भी इसी तरह करें। और मैं तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 2 कप मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, हमने 2 कप मैदा इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने गर्म होने रख दिया। अब सबसे पहले हम आलू के पकोड़े या फिर पहले पालक के पकोड़े लेंगे। बस इसको इस तरह डिप किया है हमने और इस तरह छोड़ देंगे। अच्छा, मैं तो ये पूरे बड़े पत्तों की बना रही हूँ। अगर आपको बनाना है तो आप पालक को बारीक काट के बना सकते हैं। इसी तरह हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे पालक के। अब हम आलू की फ्राई करेंगे। आंच आपने धीमी रखनी है वरना ये अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। हमारे आलू के पकोड़े भी हो गए। इसी तरह हम सारे पकोड़े आलू के फ्राई कर लेंगे। अब हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे। इसी तरह हम प्याज के सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। अब हम कैबेज के पकोड़े बनाएंगे, बंद गोभी के। एक फूल हमने ले लिया था, उसको श्रेड कर लिया था अच्छी तरह से। इस तरह हम कैबेज के भी सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। लीजिए जनाब, हमारे मज़ेदार सा पकोड़ा प्लेटर बिल्कुल तैयार है, आलू के, कैबेज के, प्याज के और पालक के। इसके अलावा भी बहुत सारे पकोड़े होते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।